मुझे भटोरे में भटोरे आया बिल्कुल ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हम लोग फाइन जा रहे हैं, वहाँ का चाट बहुत फेमस है तो हम लोग जा रहे हैं वही खाने के लिए। और फिर वहाँ से कुर्ला भी जा सकते हैं, देखते हैं टाइम रहा तो वहाँ भी चली जाऊंगी। अरहान अरहान ऑटो बुला रहा है, ऑटो अरहान अपने चॉइस से कपड़ा देना है, बोलो कुछ। हम लोग गुरु कृपा रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके हैं। ये साइन वेस्ट में SIES कॉलेज के पास है और यहाँ का समोसा, छोले, आलू कैटलेट और बहुत सारी मिठाइयाँ, लस्सी बहुत फेमस है। वैसे तो इसके सामने कई सारे और भी चीज़ खाने की मिलती है पर गुरु कृपा ही यहाँ का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट हमेशा भरा होता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ड्राई स्वीट्स भी सेल हो रहे हैं, जैसे लड्डू, बर्फ़ी और बूंदी वगैरह जो रायता में डालते हैं, कई सारे स्नैक्स अवेलेबल हैं। वैसे तो मोस्टली लोग खड़े खड़े ही खाते हैं पर इसके अंदर भी बैठकर खाने का प्रोविज़न है तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। AC नॉन AC दोनों सिटिंग अरेंजमेंट है बट AC अरेंजमेंट इज़ वेरी स्मॉल रूम, सो वी आर डिसाइडेड टू सिट एंड एंजॉय द फूड। वैसे तो यहाँ पे कई तरह की डिश अवेलेबल है बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर समोसा छोले लोग खाते हैं जो इनका फेमस है, मीठी चटनी के साथ। और ये देख रहे हैं बटाटा कैटलेट विथ छोले, जिसको आलू टिक्की भी लोग कहते हैं, इसमें भी छोले और मीठी चटनी के साथ है, ये बहुत ही फेमस है इनका। ये सैंडविच भी अच्छी बनाते हैं और इनकी पंजाबी थाली भी फेमस है। और साउथ इंडियन फूड में डोसा और डिप करके वड़ा और इडली ये भी बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। गाइस अगर आप पंजाबी रेस्टोरेंट में हो तो एक चीज़ आप कभी नहीं स्किप कर सकते और वो है पंजाबी लस्सी। लस्सी बहुत ही अच्छी है, हम लोगों ने और एक छाछ मंगाया क्योंकि मैंने बहुत पेट भरकर खाया था तो मैंने छाछ प्रीफर किया और मैंने नेहा के लिए लस्सी मंगाई और बहुत ही टेस्टी था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप अगर यहाँ आए तो समोसा छोले, आलू कैटलेट छोले और लस्सी, ये तीन आइटम तो कभी नहीं स्किप करें, आप ज़रूर ट्राई करें। यू विल नेवर रिग्रेट दिस फूड एंड इट इज़ रियली टेस्टी, ऑसम, 100 out of 100। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइज़ हम लोग साइंस से आ गए हैं और हम लोग ने चाट वगैरह खाया था तो हम लोग को भूख भी लग गई है और घर आने के बाद लेट हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं हल्दीराम। अभी इन ऑर्बिट में न्यू ओपन हुआ है तो देखती हूँ कैसा है रहता है। गाइज आपने हल्दीराम के स्वीट्स और स्नैक्स तो बहुत इन्जॉय किए होंगे लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं उसके रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमें खाना खाना है और वो इन ऑर्बिट मॉल में खुला है। मैंने हल्दीराम का रेस्टोरेंट दिल्ली और नागपुर में ट्राई किया है। नागपुर में एक थाली मिलती है जो 285 रुपीज़ की है, टैक्स पकड़ के कुछ 300 प्लस का होता है, वहाँ मैंने रिसेंटली खाया है। अभी इन ऑर्बिट मॉल में ये खुला है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग, फूड इंजॉय करेंगे और आपको वहाँ की फ़ीडबैक देंगे। अरहान मॉल में आके ये सीख गया है कि सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती है और वो जाके सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हो गया और सिक्योरिटी चेकिंग करा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भी इसे इंजॉय कर रहे हैं।
हल्दीराम टॉप फ्लोर यानी फूड कोर्ट के पास है, राइट साइड में पिज़्ज़ा हर्ट के पास है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। मॉल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सजा है, जो फ्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज वाइट और ग्रीन, और एक फ्लॉरिश सा डेकोरेशन है। हम लोग रेस्टोरेंट में इंटर कर रहे हैं। अरहान हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, चूँकि उसने मॉल में कार देख रखा है। हल्दीराम के अंदर जितनी उसकी पैक्ड फूड है, जितनी भी ड्राई फ्रूट, पैक्ड फूड, स्नैक्स, ये सारी चीज़ अवेलेबल है, बट इसके साथ साथ केक, पेस्ट्री और स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। वैसे हम लोग यहाँ पर ऑरेंज की बर्फ़ी बहुत प्रीफर करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने यहाँ से ऑलरेडी ट्राई किया है और आप देख सकते हो ये सारी पैक्ड फूड अवेलेबल है। आपको इसका सीटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ, ये बहुत ही डिसेंट है, स्पेशियस है, आपको यहाँ अच्छा लगेगा। इनकी ब्लिक काउंटर है, बिल्कुल कूल, आप UPI और कार्ड दोनों पेमेंट कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। ये डमी छोले भटूरे इन्होंने दिखा रखा है, बिल्कुल बॉल सा था। ये इनका सर्विंग एरिया है जहाँ से ये सर्व करते हैं, ये खुद ही सर्व करते हैं, तो आपको लेना नहीं है। रेस्टोरेंट में वेस्ट फूड का भी ध्यान रखा गया है, जैसे ये राज कचौरी आप देख सकते हो, और वेज हैदराबादी बिरयानी, और ये थाली, मोस्टली लोग यहाँ पर थाली ज़रूर लेते हैं। मैं आपको हल्दीराम के मेन्यू की पिक्स वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप इसको पॉज करके प्रीफर कर सकते हो। गाइस, मैंने एक नवाबी थाली ऑर्डर की है, जिसकी प्राइस 339 है और टैक्स पकड़ के 355 होता है। और दूसरा मैंने ऑर्डर किया है राइस बॉल पंजाबी, जिसमें राइस विथ छोले होते हैं, जिसकी प्राइस 169 है, और एक्स्ट्रा भटूरे भी मैंने ऐड किया है, जो 59 की है, और ये टैक्स पकड़ के टोटल 239 का हुआ मुझे। तो ये थी हमारी ऑर्डर, और इसके अलावा आप ऐड ऑन में स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब आप ले सकते हो। छोले के साथ भटूरे का कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हो कितना टेस्टी लगता है, हम भी इसको ट्राई कर रहे हैं और रियली बहुत ही टेस्टी है। मज़ा आया। गाइस,
का यही हाल है, जब नहीं रहता है तभी उसे चाहिए होता है और जब रहता है तब वो नहीं खाता। चलो मॉल टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, इसके लिए एक अरेंजमेंट किया गया है मॉल में। टीचर्स डे के मौके पर अपनी विशेस आप यहां पे टैग कर सकते हैं। जिन्होंने एजुकेशन और देश के लिए कंट्रीब्यूशन दी है उनकी तस्वीरें लगी है, जैसे APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, सावित्री बाई फूले, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे बड़ी हस्तियों की पिक्चर हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी थीम है, जैसे इसके अंदर ट्री बनाया गया है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों को करते हुए एक ग्रीनरी का मैसेज देने की कोशिश की गई है। हमारा डिनर हो गया है, अच्छा था फूड, और मतलब हम लोग घर जा रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।